शहडोल जिले के जनपद पंचायत भुड़ाल में नहीं है उपयोग योग्य शौचालय और जहां एक और प्रदेश सरकार स्वच्छता को लेकर विभिन्न योजनाएं संचालित कर रखी है, वहीं निर्माण कार्यों के लिए लेकिन प्रदेश सरकार के पैसों का दुरुपयोग जरूर होता है। सही उपयोग न होकर आम नागरिक को मूलभूत सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है, वहीं सुविधाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसका शिकार जिले के सबसे बड़ा जनपद पंचायत खुद हुआ है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जनप्रतिनिधि सहित पंचायत कर्मियों का आना जाना होता है और जर्जर व अनुपयोगी शौचालय के कारण लोगों को विस्तार के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जनपद बुढ़ार में हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना रहता है, इसके बावजूद भी प्रशासन को लोगों की यह समस्या दिखाई नहीं दे रही है। प्रथम सुविधाओं को केवल कर रहे हैं तो ऐसे में पेयजल जैसी गंभीर समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसमें इस परिसर पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है और शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद भुड़ार में बने हुए टूटे फूटे शौचालय व्यवस्था को लेकर। सबसे अहम बात यह है कि महिलाओं के शौचालय व्यवस्था नहीं है और जनपद भुड़ार में न ही पुरुष शौचालय की कोई व्यवस्था की गई है, जहां पर मध्य प्रदेश के मुखिया महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए शौच मुक्त भारत का अभियान चला रहे हैं। वहीं बड़े बड़े दावे भी करते हैं कि महिला सम्मान को लेकर, लेकिन जनपद बुढ़ार में नहीं बनाया गया है महिला उपयोग के लिए शौचालय। वहीं पुरुष उपयोग के लिए भी जनपद के बाहर शौचालय तो बना हुआ है, परंतु गंदगी की सारी हदें पार हो चुकी है उस शौचालय में और स्वच्छता का कोई नामो निशान भी नहीं है। वहीं पहले हुए शौचालय के बाहर गंदगी के कारण मवेशियों का भी आना जाना रहता है और वह मवेशी वहीं के पड़े हुए कूड़ेदान के कचरे से अपना पेट भरती हैं। क्या न्यूज़ के लिए शहडोल से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।